ज्योतिष को लेके काफी भ्रांतियां हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज और कमेंट आते हैं कि किसी ज्योतिषी ने उनको बोल दिया है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, या आपकी कुंडली में विवाह का योग नहीं है, तो क्या मेरा विवाह नहीं होगा या मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। देखिए, ज्योतिष और भाग्य दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों अलग अलग तरीके से ही काम करते हैं। ज्योतिष का जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाले भविष्य की गणना के लिए बनाया गया था और उसको बदलने के लिए। लोग बहुत सारे लोग ज्योतिष और भाग्य को एक ही समझते हैं कि जो ज्योतिष है वही हमारा भाग्य है। देखिए, इसको अपन ऐसे समझते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि आपको कोई समस्या है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप इसी उम्मीद से जाते हैं कि डॉक्टर आपको दवाई लिखेगा जो भी आपको बीमारी है और उसका इलाज होगा, ना कि आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको आपकी बीमारी बता दी और बोल दिया कि अब आप जा सकते हैं। तो ज्योतिष है वो भी ऐसे ही काम करता है कि आपके जीवन में आने वाले समय में क्या अच्छा होने वाला है उसको और कैसे अच्छा किया जा सकता है, और क्या खराब होने वाला है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है। इस इतना ही कॉन्सेप्ट ज्योतिष का है। काफी धर्म गुरुओं ने, ज्योतिषियों ने आपके कुंडली को ही आपका भाग्य बना दिया है, और लोग इतना डरते हैं कि कुंडली में ऐसा लिखा है तो अब ऐसा ही होना है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने इतनी हजारों कुंडलियां देखी हैं जिसमें हो सकता है ना तो बच्चे का योग नहीं था तो उनको बच्चे हैं, जिनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं था सरकारी नौकरी है, जिनकी कुंडली में शादी का योग नहीं था वो भी अच्छे से लव मैरिज करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और किसी ने आपको बोल दिया कि आने वाले जो आगे का रास्ता है उसमें बहुत बड़ा गड्ढा है, तो आपको तीन ऑप्शन दिमाग में आ जाते हैं। या तो आप वो रास्ता ही बदल दो, या आप उस रास्ते से यदि जा रहे हो तो बहुत संभल के जाओगे क्योंकि आपको आगे गड्ढा मिलेगा, या तीसरी चीज कि आप निश्चिंत होकर जाओगे, गड्ढे पे गिरना ना गिरना वो भाग्य है। तो ज्योतिष का भी कॉन्सेप्ट यही है, सिर्फ इतना कि आने वाले समय में क्या अच्छी चीज हो सकती है हम उसको कितना बढ़ा सकते हैं, क्या बुरी चीज हो सकती है हम उसको कितना कम कर सकते हैं। और देखिए, बनाने वाला ईश्वर है, ईश्वरी शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है, सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति होती है। देखिए, जिसने आपके भाग्य को बनाया है, जिसने आपके भविष्य को लिखा है, वो आपके बुरे भविष्य को बदल भी सकता है और अच्छे भाग्य को बढ़ा भी सकता है।